नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है। राजधानी की खराब होती स्थिति को देखते हुए आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली सरकार के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। आखिर कैसे फैलता है डेंगू? डेंगू संक्रमण डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 नामक वायरस से फैलता है। ये वायरस अलग अलग तरह के ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करता है। डेंगू का ज्यादातर कहर मानसून के समय देखने को मिलता है। हालांकि कई बार सर्दियों में भी यह फैलता हुआ नजर आता है। पूरी जानकारी के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली अब देश की डेंगू राजधानी भी बनती जा रही है। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में इस साल डेंगू के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 531 मामले पिछले हफ्ते ही सामने आए हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अनुसार दिल्ली में अब तक डेंगू की वजह से इस साल 6 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज डेंगू की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक में डेंगू के मामले में वृद्धि पर नियंत्रण पाने में केंद्र किस प्रकार दिल्ली सरकार की सहायता कर सकती है, इस पर चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधिकारी भी मौजूद होंगे। नगर निकाय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक हाल में राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामले में काफी वृद्धि देखी गई है। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। सामान्य तौर पर दिल्ली में पूरे साल डेंगू के केस देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले अगस्त से दिसंबर महीने के दौरान ही दर्ज किए जाते हैं। एक तरफ जहां त्योहार के सीजन में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दिल्ली में लगातार डेंगू के बढ़ते मामले को देखकर सभी लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, राजधानी में डेंगू के इतने मामले बढ़े हैं कि मरीजों को रामलीला मैदान में बने कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।